भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग की 19 सितंबर को दुबई में मुंबई इंडियंस से होने वाली टक्कर से होगी। वहीं आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने तीन मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और दो दो मैच शारजा और अबू धाबी में खेलेगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल यूएई में खेले गए आईपीएल सीजन में एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और टीम सातवें स्थान पर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब धोनी के धुरंधर प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस सीजन चेन्नई ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और मौजूदा समय में पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं धोनी की टीम अपने शानदार प्रदर्शन को आईपीएल के दूसरे हाफ में जारी रखना चाहेगी। वहीं आपको बता दें कि 2021 के आईपीएल के दूसरे फेज में चेन्नई सुपर किंग ने अपना शेड्यूल भी जारी किया है, जिसमें कि पहला मैच चेन्नई सुपर किंग बनाम मुंबई इंडियंस शाम 7:30 बजे 19 सितंबर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं दूसरा मैच आरसीबी के साथ चेन्नई सुपर किंग का मैच 24 सितंबर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। वहीं तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दोपहर 3:30 बजे 26 सितंबर को शेख जायद स्टेडियम में होगा। वहीं पांचवा मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चेन्नई का मैच 7:30 बजे 30 सितंबर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। वहीं छठा मैच आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल बनाम चेन्नई सुपर किंग्स शाम 7:30 बजे से 2 अक्टूबर शेख जायद स्टेडियम में होगा। वहीं सातवां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स शाम 7:30 बजे 4 अक्टूबर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग बनाम पंजाब किंग्स दोपहर 3:30 बजे 7 अक्टूबर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार चेन्नई प्लेऑफ में जगह बना पाती है या नहीं। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। जय हिंद।